चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्काइप पर वीडियो कॉल पर अमूल्य निधि जी हैं। अमूल्य निधि जी एक बहुत ही जाने माने हेल्थ एक्टिविस्ट हैं और जन स्वास्थ्य अभियान के सहसंयोजक भी हैं। आज जो कोरोना वायरस का एक जो पूरा प्रकोप है हमारे मुल्क में और हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, उसके बारे में हम अभी अमूल्य जी से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ एक चीज तो है कि ये वायरस क्या है, लेकिन उससे ज्यादा उसके बारे में काफी चर्चा हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेस हिंदुस्तान में भी और बाकी देशों में भी कैसा रहा है, क्या हम प्रिपेयर्ड भी हैं इस तरह के, अगर ये एक एपिडेमिक बन गया तो क्या हम प्रिपेयर्ड भी हैं, क्या हम तैयार भी हैं ऐसे एक एपिडेमिक से लड़ने के लिए। अमूल्य जी, चलचित्र अभियान में बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। अमूल्य जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि कोरोना वायरस के बारे में या COVID-19 के बारे में बहुत कुछ लिखित में आ रहा है, बहुत सारे इसके बारे में वीडियोस भी बन रही हैं, न्यूज में भी बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि इस स्केल का जो एक एक हमारे सामने एक ऑलमोस्ट एक एपिडेमिक होने की हम हो सकता है, अभी तक आपके हिसाब से सरकार का जो रिस्पॉन्स है वो कैसा रहा है? देखिए, ये जो पूरा मामला है, ये मामला लगभग जनवरी के आखिरी के आसपास में शुरू हो गया था। जनवरी महीने में चीन में ये जो शुरुआत इसकी हुई जनवरी महीने में, उसके बाद से फरवरी में ये फैलता गया अलग अलग जगह पे, अलग अलग देशों में फैलता गया। और जिसका जब फैलाव होते गया, उस समय सरकार को, भारत को ये पता था कि ये इसका फैलाव हो चुका है, क्योंकि आज की डेट पे कोई जानकारी छुपी हुई नहीं है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, अलग अलग चैनलों के माध्यम से देश में पता चल गया था कि इस तरीके की कोई वायरस आ रही है और वो कोई अक्रॉस द बाउंड्री है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि किसी एक देश में आएगा दूसरे देश में नहीं आएगा, और वो फैल रहा था, वो बढ़ते बढ़ते एक देश, दो देश, दस देश, आज 50 देश, 60 देश बढ़ते जा रहा है, और पूरा यूरोप से लेके आप लैटिन अमेरिका से लेके आपका पूरा ईस्ट अफ्रीका साउथ सब जगह फैलते जा रहा है। तो सरकार ने फरवरी महीना में, पहला तो सवाल है, इसको लेके कोई चिंता ही जाहिर नहीं की। मतलब फरवरी माह में तो ऐसा लग रहा था कि भारत में शायद आएगा ही नहीं, या अलग अलग लोगों ने आगाह किया, अलग अलग किसी राजनेता ने या किसी ने अगर आगाह भी किया है, ट्वीट किया, सोशल मीडिया से बताने की कोशिश की, फिर भी भारत सरकार इसको लेके बहुत ज्यादा ना कोई सक्रियता दिखाई, ना वो चिंता दिखाई, और उनको लगा कि भारत में केस नहीं है तो आएंगे नहीं। फरवरी महीने में अगर सरकार ने ये भी नहीं कोशिश की, अगर उनको पता चल गया कि अगर बाहर से देश में ज्यादा फैल रही है तो जो भी लोग उस देश से यहाँ आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाए, स्क्रीनिंग एयरपोर्ट पे शुरू हुई थी, लेकिन वो स्क्रीनिंग इतना स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग नहीं था कि एक एक व्यक्ति का आप स्क्रीनिंग करें, क्योंकि शुरुआत में उसका एक पीरियड होता है कि 5 दिन तक बहुत सक्रिय होता है, उसके बाद से आपको उसको आइसोलेशन पे रखना है। उन्होंने सारे एयरपोर्ट्स पे नहीं किए, कुछ एयरपोर्ट्स पे शुरू हुई, लेकिन इनको सारे एयरपोर्ट पे, सिर्फ दिल्ली में और बम्बई में ही इंटरनेशनल ट्रेवल्स नहीं उतरते हैं, वो अलग अलग एयरपोर्ट्स पे भी उतरते हैं, वो स्क्रीनिंग नहीं की। तो शुरुआत में ही सरकार ने ऑलमोस्ट, मैं तो कहूँगा, 1 महीना डिले किया इस पूरे प्रोसेस को, जिससे स्टेज 1, स्टेज 2 की जब आज हम स्टेज 2 पे जा रहे हैं, स्टेज 3 और 4 की अभी बात हो रही है, तो हम ये हुआ। तो पहली गलती तो यहाँ हुई कि उन्होंने कोई गंभीरता नहीं, शायद उनको लग रहा था कि ये कोई आएगा ही नहीं, ये कोई साधारण सर्दी जुकाम जैसा वायरस है, फैलाव नहीं होगा, क्या मन में थी पता नहीं, लेकिन कोई गंभीरता नहीं थी इसको लेके। तो ये तो पहली बात है। दूसरी बात ये थी कि इसमें सरकार को ये पता है कि जिस तरीके से दूसरे देशों में हुआ, छोटे कंट्रीज हैं, चाहे वो इटली हो, चाहे स्पेन हो या क्यूबा हो, उस तरीके से भारत में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी इक्विप नहीं है, उनको ये पता है, स्थितियां पता है, फिर भी उसको लेके पूर्व जो तैयारी होती है, पहले से जो तैयार करना होता है हेल्थ सिस्टम को, एक रिस्पॉन्डिव हेल्थ सिस्टम को, और दूसरे साथ साथ जो सिविल सोसाइटीज हैं, जो जनप्रतिनिधि है, इन सब का जो ओरिएंटेशन होना चाहिए था, जो ट्रेनिंग्स होनी चाहिए थी, जो रिसोर्स सामग्री होनी चाहिए थी, जो जागरूकता की सामग्री होनी चाहिए थी, वो नहीं दिए गए। तो एक फरवरी माह में तो पता ही नहीं चला भारत में, अब मार्च में महीने में शुरुआत हो रही है इसकी जानकारी,
तो ऑलमोस्ट हम 1 मिनट डिले शुरू हुआ है। तो सबसे पहला तो यही है कि आप इतना डिले का कारण क्या था समझ में नहीं आया, या तो देश के हमारे प्रधानमंत्री को या स्वास्थ्य मंत्री को या स्वास्थ्य के जो भी अधिकारी हैं बड़े राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के, उनको पता नहीं था या उन्होंने इसकी गंभीरता नहीं समझी। हम चलिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्स तो आप कह रहे हैं 1 महीने के लिए, 1 महीने से डिलेड रिस्पॉन्स रहा, लेकिन उसके साथ साथ मेरा दूसरा सवाल ये है कि इसी से ही जुड़ता हुआ सवाल है कि क्या हम एक तरफ तो इस डिलेड रिस्पॉन्स की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे हम जानते ही हैं कि अब हो गई हैं, जो आइसोलेशन शुरू में ही करनी थी, टेस्टिंग शुरू में करनी थी वो नहीं हुई, लेकिन अब भी, और अब इसके लिए जो तैयारियां करनी थी वो भी नहीं हुई, तो लेकिन अभी आज के दौर में हमारी स्थिति क्या है? क्या एडिक्वेट टेस्टिंग सेंटर्स हैं शहरों देहातों में और आदिवासी इलाकों में? कितना फर्क है जो टेस्टिंग हो रही है, और बड़े शहर और छोटे शहर में भी, महानगरों में और बाकी छोटे शहरों में कितना फर्क है जो टेस्टिंग्स हो रही हैं? क्या टेस्टिंग सेंटर्स काफी हैं जितने हमारे देश में होने चाहिए? और उसी से ही एक और सवाल जो मैं जोड़ रहा हूँ कि एक हमारा क्या पब्लिक हेल्थ सेक्टर जो है हिंदुस्तान का, जो एक स्वास्थ्य विभाग है, जो अब 70% से ज्यादा हमारा स्वास्थ्य विभाग निजी हाथों में जा चुका है, तो क्या हमारे पास एक सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग है जो इस तरह की एक इतनी बड़ी विपदा को झेल पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो पिछले 5 सालों में, खासकर 2014-15 के बाद से, आप देखिए 5-7 सालों में जो पूरा एक हेल्थ सिस्टम था, एक हेल्थ सिस्टम, इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम था वो गांव से लेकर दिल्ली तक का एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था, एक ढांचा बना हुआ था। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थे, हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स थे, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं थी, केंद्र थे हमारे पास। ये पूरा जो हमारा आधारभूत जो संरचना था, वो संरचना सरकारी सिस्टम पूरा कमजोर होते जा रहा था, और अभी पिछले 5 साल में और भी कमजोर हो चुका है, क्योंकि रिसेंटली 2 महीना पहले आपने अखबार में और आपने बजट के समय में देखा होगा कि नीति आयोग ने ये बोला कि सारे जिला अस्पताल को अब प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाएगा, मेडिकल कॉलेज बना के। तो ये समझ था कि सरकारी व्यवस्था को सरकार जो है प्राइवेट हाथों में सौंप कर उनको पीपीपीज मॉडल पे सौंप देने देने वाली, तो उनको ये पता है कि सिस्टम हमारा नहीं है। और जब ऐसे समय में, आज वही जो उस समय लोग सचेत कर रहे थे, सारे हेल्थ एक्टिविस्ट, चाहे जन स्वास्थ्य अभियान हो या बाकी भी जो लोग, तमाम स्वास्थ्य के विशेषज्ञ डॉक्टर्स इंक्लूडिंग मेडिकल ऑफिसर्स, ये सचेत कर रहे थे कि ऐसे करने से हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आज 1 महीने के बाद, आज फरवरी महीने की बात है और मार्च महीने में हम देख रहे हैं हमारे पास जो सिस्टम है वो सरकारी व्यवस्था मजबूत नहीं है ऐसे चीजों को मैनेज करने के लिए। हम आज टीकाकरण 100% नहीं कर पा रहे हैं, जो देश, वो देश ऐसे महामारी को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? तो इस समय में होनी ये चाहिए थी कि हमारा जो सिस्टम अगर ठीक नहीं है तो इस देश के सारे सिस्टम को, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो ट्रस्ट हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स हो, चाहे वो किसी तरीके के सिविल सोसाइटी रिलेटेड हेल्थ प्रोग्राम्स हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए था और लाके कलेक्टिवली सोचना चाहिए था कि हम हेल्थ सिस्टम कैसे स्ट्रेंथन करेंगे और हेल्थ सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। आज भी पूरी व्यवस्था सरकारी पे चली हुई है। आज भी हम जिस तरीके से जो जांच, इसमें क्या है, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप है जागरूकता का। आज भी इनफ जागरूकता मटेरियल सोशल मीडिया से चल रही है, लेकिन बहुत सारी सामग्री हिंदी में या लोकल आदिवासी लैंग्वेज में, या अगर हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए वो आज उस तरीके से, या अगर साउथ की भाषा है उनकी लोकल लैंग्वेज में आज भी बहुत सारी सामग्री उपलब्ध नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है, आज वो सामग्री बड़े सिटीज में, शहरों में तो है, वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे आ जा रहा है, लेकिन गाँव के लिए एक छोटा पैम्पलेट, आज बहुत कम जानकारी समुदाय में आखिरी गाँव तक जा रहा है, जिसे सरकार समाज का अंतिम व्यक्ति बोलती है, वहां तक पहुंचा नहीं है। दूसरी बात है, अगर उसको कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें संभावित संक्रमण होने के चांस हैं, तो जो ऐसे लोग हैं उनमें चूंकि जागरूकता अभी भी पूरी नहीं फैली, इसलिए कुछ लोग हॉस्पिटल से भाग रहे हैं, कुछ लोग जो है टेस्ट करवा रहे हैं तो बता नहीं रहे। आपने देखा कि आज माननीय सांसद महोदय राष्ट्रपति भवन से लेके लोकसभा में घूम रहे हैं, और उनको जब संक्रमण होता है तो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री 14 दिन अपने आप को आइसोलेशन में रख लेती हैं। तो सवाल ये है कि अभी आज ही भोपाल में खबर मिली कि एक भोपाल के जो पत्रकार हैं वो चीफ मिनिस्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 दिन पहले आए थे और उनकी बेटी को संक्रमण की अभी चर्चा चल रही है, अभी मीडिया में अभी ये चर्चा चल रहा है कि उनको संभावना है।
तो ये इससे क्या हुआ कि चूंकि पूरी तरीके से इसके बारे में जागरूकता नहीं दी गई, एक पैनिक सिचुएशन हो गया, भ्रम जैसा सिचुएशन फैल गया, तो स्क्रीनिंग अभी भी जितनी होनी चाहिए थी मुझे लगता है बहुत कम है। और तीसरी बात है, अगर वो संक्रमित हो गया उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपके पास टेस्ट के फैसिलिटीज होनी चाहिए थी जो आज भी पर्याप्त नहीं है। सरकार इसको जिस तरीके से एक्टिव रिस्पॉन्ड करना चाहिए इस पूरे प्रोसेस में, आज भी सेंटर्स 20, 50, 100, 70, 80, 100 इस तरीके से 5-5 दो दो सेंटर्स भर रहे हैं, इससे नहीं होगा। आपके हर जिले में एक सेंटर्स बनाने पड़ेंगे तो होगा। आज आप बड़े सिटीज में बोल रहे हो, आज मध्य प्रदेश में 2 सेंटर्स हैं, तो 2 या 3 सेंटर्स से एक राज्य में होगा तो कैसे होगा। हर जिले में सेंटर्स होनी चाहिए, बहुत महंगी चीज तो है नहीं टेस्ट की। और उसके बाद चौथा जो रिस्पॉन्ड है वो है, अगर उसको हो गया संक्रमित तो आपके पास आईसीयू की फैसिलिटीज, आपको पास आइसोलेशन वार्ड्स की फैसिलिटीज हर जिले अस्पताल में आपको लानी पड़ेगी, तभी ये संभव हो पाएगा। आज वो नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को पूरा दूर रखा गया है। आज प्राइवेट सेक्टर को जो स्पेन ने किया, आज हमने मध्य प्रदेश में, आज हमने कार्यवाही मुख्यमंत्री को हमने सुझाव दिया कि भाई आप मध्य प्रदेश के सारे जो हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, उसको सरकार जो है अपने अंदर ले ले, उनको रजिस्टर्ड कर दे और उनको बोले कि आपको ऐसे में फैसिलिटी देनी पड़ेगी, मुफ्त में फैसिलिटी देनी पड़ेगी। आज भारत सरकार एक टेस्ट की ऑर्डर निकाल रही है जिसमें वो बोल रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 3,500 में और 1,500 में टेस्ट होगा। क्यों? ये फ्री होनी चाहिए जो टेस्ट, वो टेस्ट का पैसा क्यों कर रहे हो? प्राइवेट हॉस्पिटल को तो इस समय सेवा देनी चाहिए, एक महामारी का सवाल है, लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो आज पूरे देश के सारे सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये इसका टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए, इसका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए। और सरकार को तत्काल ऐसी घोषणा करनी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि केंद्र सरकार के पास पैसा है, केंद्र सरकार अधिसूचना, राज्य सरकार कोशिश कर रही है, राज्य सरकार को भी करना चाहिए। केरला ने किया, आज केरला का उदाहरण पूरे देश का उदाहरण बना है। हम केरला से नहीं सीख पा रहे हैं, एक तरफ केरला इसको रिस्पॉन्ड कर रही है कलेक्टिवली, हम अपने उदाहरण अपने राज्यों से नहीं सीख पा रहे हैं जो करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास क्यूबा का मॉडल है, जिन्होंने उस पूरी जहाज को, जो बाकी देशों ने उनको अपने बॉर्डर से दूर कर दिया, तो उस जहाज में फंसे यात्रियों को उन्होंने रखा अपने देश में और उनको ट्रीटमेंट किया और लोगों को बोला कि आप आइए, हम इक्विप्ड हैं। आज वो जो पूरी चीज है, इससे हमें सीखना पड़ेगा। तो आज एक कलेक्टिव जो सोच है लोगों को इस महामारी फैलने से रोकना और रोकने के साथ साथ उनको रिस्पॉन्डिव हेल्थ सिस्टम बनाना, मुझे लगता है हमको मजबूत करना पड़ेगा। और ये मौका भी है सरकार के लिए कि अभी भी लोगों को स्वास्थ्य के, हम लोग तो स्वास्थ्य अधिकार की बात करते हैं, हेल्थ को एक राइट से लोगों का इस समय में, और सरकार से अपेक्षा है, सरकार हमसे टैक्स लेती है, तो ये सरकार को करना चाहिए। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट बात करिए कि एक तरफ केरला, मतलब देश के अंदर ही केरला एक राज्य है जो एक एग्जांपल दे पा रहा है, और ये भी एक एग्जांपल दिया है कि जो मतलब जो जो वर्कर्स हैं, जो डेली वेज वर्कर है, जो अनऑर्गेनाइज, जो असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर, जो मजदूरी करते हैं, जो मेहनत कर जब तबका है, उनके लिए भी उन्होंने कहा है कि भाई उनके उनके उनको पैसे दिए जाएंगे महीने में, घर से ना निकलें, और उनकी जो तनख्वाहें हैं उनका एक, उसका एक हिस्सा कम से कम उन तक पहुंचेगा। वहां पर तो ये भी तक देखा जा रहा है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स या मतलब जो मिड डे मील्स हैं वो भी बच्चों के घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो मतलब इस तरह से स्टेट एक बहुत ही कंसर्टेड एफर्ट ले रहा है। साथ में आपने क्यूबा का एग्जांपल दिया, या स्पेन में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उनको भी आज सरकार ने राष्ट्रीयकरण उनका कर दिया है, ताकि उनके हाथ में, और वो बहुत इफेक्टिवली इसको टैकल कर सके। और जैसे आपने अंत में कहा कि शायद कहीं ना कहीं आज ये हमारे लिए मौका भी है ये समझना कि स्वास्थ्य जो है हमारा एक अधिकार है, जरूरत है आज ये समझने की जरूरत है। और आज भी मौका है कि अपने जो स्वास्थ्य विभाग है और जो जो पब्लिक स्वास्थ्य विभाग है उसको और मजबूत करने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि स्वास्थ्य हमारा एक अधिकार है। और शायद गाय गोबर और मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ के आज स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर बात करने की जरूरत है। अमूल्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चलचित्र अभियान के साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है आगे भी इस मुद्दे पर आपसे बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।